Assalamualaikum dear students, this is class 6, subject science. Topic is objects having more than one type of motion. Previously, or we can say in previous lectures, we have described different types of motion. For example, we have described the rotational motion. We have described the circular motion. Number third, we have described the rectilinear motion. And number four, we have described the periodic motion. Shabash. Also, you are all observing that type of motion all along our day-to-day lives. Just in our locality, in our surroundings, we see that very motions. We see that type of different motion. But how far we are concerned, we are confused here, or you have been confused that what type of motion an object shows. If it shows two type of motion, we can say that the object has more than one type of motion. For example, number one example, we can see there, or we can say there, the case of Earth. In case of Earth has the, we can say, one motion is its rotational motion. We can say its circular motion. Circular motion, rotational motion, जो ये rotation दिखाती है around its axis, circular motion, जो ये किसके इर्द गिर्द in its orbit around the sun, जो ये revolution दिखाती है वो circular motion, rotational motion around its axis. Same time we can say it repeats after the interval of this circular motion, it repeats after the interval of 365 days and 6 hours. इस टाइम के बाद ये फिर से शुरू करती है, ये मोशन चलती रहती है, उसको बोलते हैं पीरियडिक मोशन. So the earth has shown here what type of motion? Rotational, circular and periodic motion. We can say this object has more than one type of motion. Number two is here, जो हम कहेंगे मेरी गो राउंड, जो आप झूला झूलते हो, बच्चे जो उस पर मेरी गो राउंड जो झूला होता है वो गोल गोल घूमता है, उसकी क्या हम कहेंगे, जो ये कंसिडर कहेंगे हम, इट शोज रोटेशनल एंड सर्क्यूलर मोशन. जो इसको बीच में होता है एक्सल होता है, इसके इर्द गिर्द ये घूमती है तो वो रोटेशनल मोशन है. क्या? रोटेशनल मोशन. सेम टाइम मेरी गो राउंड, सेम टाइम इट, वी कॉल इट रोटेट्स ऑल अलोंग इट्स एक्सिस, इसके इर्द गिर्द घूमती है वो रोटेशनल मोशन है. और सेम टाइम ये सर्क्यूलर मोशन भी कहलाती है. तो ये दूसरा है, दूसरे एग्जाम मेरी गो राउंड, ये रोटेशनल मोशन भी दिखाता है, सर्क्यूलर मोशन भी दिखाता है. नंबर थर्ड इज हियर, वी कैन से दैट, जो हमारे पास एग्जाम्पल है बाइसिकल, फॉर एग्जाम्पल बाइसिकल ए पॉइंट पे था, अब ये पहुंच गया किस पे, बी पॉइंट. ऑल अलोंग द स्ट्रेट लाइन, तो इसने दिखाई रेक्टिलिनियर, ये आपने जाना है इससे पहले भी रेक्टिलिनियर मोशन. स्ट्रेट, अगर ये इसने लोकेशन चेंज की ए पॉइंट से बी तक, तो ये रेक्टिलिनियर मोशन है. और इसके बाद जो ये साइकिल का टायर होता है, साइकिल का टायर गोल गोल घूमता है अराउंड एन एक्सल, जो इसके बीच में एक्सल होता है
बॉयज को पता होगा, जो बॉयज ये साइकिल या आप भी गर्ल्स भी सर साइकिल चलाती हैं, तो टायर के बीच में एक्सल होता है, वो गोल गोल उसके इर्द गिर्द घूमता है। तो ये क्या दिखाता है यहां पे? रोटेशनल, चलने रोटेशनल मोशन के बावजूद इसके साथ साथ ये स्ट्रेट लाइन में चलता है, तो रेक्टिलिनियर मोशन है। तो और इसके जो टायर्स है, इसके जो व्हील्स है, वो रोटेशनल दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? रोटेशनल मोशन। क्लियर? उसके बाद है नंबर थ्री। नंबर फोर है अ बॉल। बॉल जो है वो गोल जो होती है बॉल, वो क्या होती है? वो घूमती है, वो घूमती है। जो ये बॉल जो है, ये अगर हम छोड़ेंगे ऐसे ग्राउंड पे छोड़ेंगे, ये रोटेट होती है। क्या होती है? रोटेट। सो हम कहेंगे ये रोटेट होती है अराउंड द सर्कल, तो हम कहेंगे इस बॉल की है रोटेशनल मोशन। क्या कहते हैं? रोटेशनल मोशन। अगर हम इस बॉल को ऐसे धक्का देंगे, अगर ये स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन में चली गई, तो इसकी हम रेक्टिलिनियर भी कहेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन। तो इस बॉल ने रोलिंग ऑन द ग्राउंड जो है, ये रोटेशनल मोशन भी दिखाती है, रेक्टिलिनियर मोशन भी दिखाती है। ठीक है? इन केस ऑफ स्विमिंग मशीन नंबर फाइव, हमारे पास स्विमिंग मशीन है, जो सिलाई की मशीन होती है। सिलाई की मशीन जो है, जो उसका व्हील होता है, चाहे वो पैडल वाली होगी, उसका भी नीचे से व्हील होता है, और अगर वो हाथ वाली होगी, उसका भी ऊपर से व्हील होता है, या अगर हम एनर्जी की वो इलेक्ट्रिसिटी के जरिए चलाएंगे उसको, उसका भी व्हील होता है साइड में। ठीक है? वो व्हील अगर हम देखेंगे, जो वो दर्जी चलाता है ऐसे हाथ से, वो रोटेशनल मोशन है। क्या है? ये गोल गोल घूमता है रोटेशनल मोशन में। और जब ये रोटेशन हो जाती है, तो सिलाई मशीन को यहां पे होती है नीडल, जो आप सब लोगों ने देखी होगी नीडल, जिसकी वजह से जो कपड़ा सिलता है, जिसमें से धागा निकाला हुआ होता है, तो वो ऊपर नीचे हो जाती है एट द सेम टाइम द व्हील रोट। ये तो एक ऑब्जेक्ट है स्विंग मशीन, उसका व्हील जो है वो रोटेशनल मोशन दिखाता है, और जो नीडल है ऊपर नीचे करती है एट द सेम टाइम, वो क्या है? वो पीरियाडिक मोशन है। पीरियाडिक मोशन दिखाते हैं। पीरियाडिक मोशन हमने पढ़ा कि जो अल्टरनेट इवेंट्स के अल्टरनेट टाइम के बाद रिपीट होती है, तो ये नीडल ऊपर नीचे होते हैं अल्टरनेट टाइम के जरिए, अल्टरनेट टाइम्स पे ऊपर नीचे होती है, तो वो नीडल दिखाती है पीरियडिक मोशन, और जो व्हील इसका है रोटेशनल व्हील, रोटेटिंग व्हील जो है वो रोटेशनल मशीन दिखाता है। सो दिस इज अ टॉपिक हियर, ऑब्जेक्ट्स हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ मोशन। बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको एक जैसी मोशन नहीं है, बहुत सारी मोशन होती है, बहुत टाइप्स की मोशन होती है। एक मोशन के होने के बावजूद दूसरी टाइप की मोशन भी उनमें होती है। होप यू वुड हैव अंडरस्टूड इट कंप्लीटली वेरी वेल। थैंक यू।